हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। तो ऐसा है सुबह सुबह का नजारा नेर चौक का, बहुत ही कुछ लोग होते हैं जो सुबह अर्ली उठते हैं, वो मजा आ रहा है यार। हमें भी अर्ली उठना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपनी बॉडी पे ध्यान देना चाहिए। तो चलो इस पे हम सोचेंगे। तो अब भी हम निकल रहे हैं नेर चौक से, और जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम जा रहे हैं नई बाइक की डिलीवरी लेने। कौन सी बाइक है आपको आगे वीडियो में पता लग जाएगा, लेकिन ये बाइक ले रहे हैं हमारे शक्ति भाई। तो शक्ति भाई को काफ़ी टाइम से हम बोल रहे थे कि आप एक अच्छी सी बाइक लो, तो फाइनली उन्होंने हमारी पुकार सुन ली और अब आएगी हमारे पास एक नई बाइक। और जैसे ही आती है उसके बाद हम राइड करेंगे प्लान, और मज़ा आएगा दोस्तों। अच्छी सी अच्छी बाइक्स हमारे साथ जुड़ती जा रही हैं, ये एक मज़ेदार बात है। आगे साहिल भी आया हुआ है, तो चलो उनके पास चलते हैं, मिलते हैं उनको और उठाते हैं उनको और निकलते हैं यहाँ से आगे। तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में, चाओ दोस्तों। अभी बजे हैं सुबह के 5:56, और आप देख रहे हैं हमारा डिसीजन कार में जाने का कितना सही निकला, क्योंकि बाहर लगी हुई है बारिश। बहुत इंटरेस्टिंग है यार, मैं बाहर वहाँ से अपने कॉलेज से निकला तो वहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है, और इधर आप देखो कितनी बारिश लगी हुई है। अमेजिंग मैन। तो ये है हमारे सुंदरनगर का मॉल, अपना ही मजा है कार में राइड करने का। तो ये पहुंच रहे हैं हम सुंदरनगर। सुंदरनगर की गलियां सुबह सुबह बिल्कुल सुनसान है, बहुत ही कम लोग दिख रहे हैं जो मॉर्निंग में उठते हैं। देखिए कितना सुनसान पड़ा हुआ है सुंदरनगर। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, जहाँ पे शक्ति भाई ने बताया था मिलेंगे, तो वो रहे सामने। चलो तो ये आ रहे हैं शक्ति भाई और अपने, आ जाओ। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, आइए बैठिए एकदम झकास। चलो आ जाओ। तो दोस्तों बंदे हमें मिल चुके हैं दोनों, और दोनों राइडिंग जैकेट में हैं, और ये आज होड़ मचने वाली है, कौन बाइक चलाएगा कौन नहीं चलाएगा। तो चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। ये आगे रखता गाड़ी आपका भाई ही चलाएगा। तो देखो सुबह सुबह सुंदरनगर में क्या ठंडा मौसम है, बारिश लगी हुई है मजेदार मस्त वाली। अभी निकलते हैं आगे। हेलो डॉक्टर। हेलो सर, कैसे हैं? मस्त एकदम भाई, मस्त। और ये आज हो गया सीन ऐसा, और ये होंगे आज हमारे ड्राइवर भाई। तो जब तो हम होते हैं बाइक पे तो जैसे टनल दिखती है एक अलग ही खुशी होती है, अभी आवाज सुनने का मजा आएगा। तो अभी हैं हम गाड़ी में, तो एग्जॉस्ट साउंड तो आपको सुना नहीं सकते, लेकिन आगे जो ट्रक चला है ना उसकी आवाज बड़ी मस्त आ रही है, वो हमारी बाइक से भी काफी लाउड है। तो सुनिए, मजे लीजिए एग्जॉस्ट के। अब पहुंच चुके हैं हम टनल नंबर 5 पे सुंदरनगर की तरफ से। आगे 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 आएगा बिलासपुर का एरिया, उसके बाद हम पहुंचेंगे पंजाब में। चलो मिलते हैं आगे ब्रेकफास्ट पे, और हमारे बंदे क्या कर रहे हैं। तो ये रहे हमारे बंदे शक्ति भाई, और पीछे साहिल बैठा है। तो कैसा लग रहा है दोस्तों? मस्त एकदम मस्त। आज ऐसा लग रहा है रंग बिरंगे बंदे चले भाई, देखो कितने रंग है यार। और सबसे बड़ी बात, पहले मैं भी सेम साइल वाला कलर डाल रहा था, फिर तो ब्रदरहुड बनने वाला था सभी का, फिर साइल ने बोला चेंज ही यार, नहीं तो ऐसे कुछ ज्यादा ही भाई चारा लग रहा है, फिर चेंज। पर रियली मजा लग रहा है, और मेरे ख्याल से इस टाइप से हम पहली बार गाड़ी में ब्लॉग बना रहे हैं। यस, और ये मजेदार होने वाला है। चलो दोस्तों मिलते हैं आगे आपसे।
तो कुछ इस तरह का नजारा है हमारे। टनल नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं हम। ऊपर मनाया जय माता दी, तो चलो जय माता दी घुसते हैं टनल में। टनल नंबर 4 में आप सभी तो दोस्तों ये है अब हम बिलासपुर के पास। तो देखिए इस बार पानी कितना कम है, बहुत ही कम पानी है, लेकिन अभी मौसम देखिए बारिश हो रही है ऊपर से। और ये आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज, और हमारी और जो स्कूटर वगैरह है वो यहाँ पे अभी चल पड़े हैं। बोल रहे हैं जल्दी ही यहाँ पे क्रूज भी आने वाला है, तो देखते हैं भाई। देखो सब के सब ब्लॉगर, एक इधर शक्ति भाई और इधर हम, तो ब्लॉग बन रहे हैं धड़ाधड़। चलो चलते हैं आगे। तो दोस्तों अभी हम पहुंच रहे हैं लास्ट टनल पे जो हिमाचल साइड से है, और ऊपर जो कैमरे दिख रहे हैं आपको चलान करते हैं। इससे पहले कि वो हमें देख ले अपना फोन बंद कर दीजिए, थैंक यू। दिस इज टनल नंबर 1, और सीधे हम पहुंच जाएंगे पंजाब में, और यहाँ लगा है जाम ट्रकों का। और यहाँ पे देखिए सेकंड टनल भी बन रही है अभी, ये हो सकता है बहुत जल्दी ही काम में आ जाएगी। फिर आना जाना अलग अलग टनल से होगा, फिर बाइक पे जाने का मजा आएगा। तो दोस्तों अभी स्वर घाट से आगे हम पहुंच चुके हैं, तो अभी यहाँ पे रिफ्यूलिंग करा लेते हैं, उसके बाद पंजाब में तेल महंगा होता है। चलो कराते हैं रिफ्यूलिंग। अच्छा 1500 का डाल दो। पहुंच चुके हैं हम, बस आगे से हमने जाना है रोपड़ वाली साइड, और आगे से मुड़ेंगे। यहाँ से भी एक शॉर्टकट है, लेकिन उस शॉर्टकट से अभी रुक के देख लेते हैं कौन सा ज़्यादा नज़दीक रहेगा। तो चलो रुकते हैं और देखते हैं आगे। दोस्तों देखो कितनी प्यारी एक ऐसी जगह लग रही है जैसे आप कोई मूवी में देखते हैं ना, देखो कितनी प्यारी सी। तो यहाँ हम रुकने का सोच रहे हैं अभी, देखते हैं, ब्रेकफास्ट करने का सोच रहे थे लेकिन लग नहीं रहा है, यहाँ पर खुला है अभी। देखते हैं, पूछते हैं भाई साहब को जो आगे झाड़ू लगा रहे हैं क्या है, कैंपिंग है क्या ऐसे ही पार्किंग में। ओके धन्यवाद। तो जी आइयां नू वेलकम टू पंजाब। और पार्किंग किथे है? ये है हमारी पार्किंग, यहाँ पे कहीं भी गाड़ी आप ठूस दो कोई बात नहीं। भाई खाना खुना खाने यहाँ पे रुक रहे हैं हम, अभी देखते हैं कहाँ पे है यहाँ पे ढाबा। लिखा तो था ढाबा लेकिन समझ नहीं आ रही है कहाँ पे है। जगह बड़ी प्यारी है। पाजी किस साइड है ढाबा? ए पाजी किस साइड है ढाबा? इधर है, इधर है, इधर इधर आ जाओ। तो ये हमारे साहिल भाई, तो कैसी रही राइड आज की? बहुत फास्ट। तो मजा आ रहा है आपको? थैंक यू। बहुत अच्छी जगह है, खाना खुना खाते हैं यहाँ से, फिर मजे से आगे निकलते हैं लुधियाना की तरफ को। तो दोस्तों अभी यहाँ रुके हैं खाना खाने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, सांझी हट। बड़ी ज़बरदस्त जगह है, बड़ी अच्छी लोकेशन है, मज़ेदार। अभी खाते पीते हैं यहाँ से और निकलते हैं आगे। तो ये लोकेशन है टंडी पिंड, तो सांझी हट ना इतने का। तो दोस्तों परांठे अपने आ चुके हैं, देखो क्या ज़बरदस्त परांठा है यहाँ का यार। साहिल का कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा है यार, मेरे को दे दे इसको। बस बस ज़्यादा नहीं है ना, ये इसमें बेटा 18 है ना भाई। परांठे तो बड़े स्वाद हैं, सबसे बढ़िया परांठा, फिर भी मेरे को साहिल का लग रहा है। तो
फ्रेंड्स वी आर हेयर इन ट्रायंफ लुधियाना, देख पा रहे हैं स्क्रैम्बलर खड़ी है और ये खड़ी है हमारी स्पीड 400 और ये रही टाइटोना 660 और सामने खड़ी है हमारी 777-765 RS। कितनी मस्त दिखती है यार ये बाइक। दोस्तों कॉफ़ी अपनी आ चुकी है, चलो कॉफ़ी पी लेते हैं। बैठो साहिल सर, कॉफ़ी पी लो। भाई लोगों चलो थोड़ी सी चाय पे चर्चा हो जाए, फिर कितना टाइम लगेगा अभी? अच्छा ओके, तो ठीक है हमें बाइक्स पे आना चाहिए था ना, गलती कर दी आज हमने। थोड़ा मौसम अगर हमारा साथ देता है, सुबह बारिश नहीं होती तो बाइक्स पर अभी पहुंचे होते हैं। अब देखो हम लोग कैसे, देखो पूरे पैक हो गया है बाइक, साहिल भी देखो पूरा रेडी हो गया है। मेरे को ये समझ नहीं आ रही बाइक पे तो आया नहीं है, रेडी होने का क्या मतलब है? आप अगर ये सोच रहे हो शक्ति भाई आपको, शक्ति भाई आपको बाइक ले देंगे भाई आप चलाते रहो और मैं अंदर बैठूंगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ बंदे बड़े बैठे हैं लाइन में। दोस्तों बाइक ऑलमोस्ट रेडी हो रही है, अभी निकलते हैं इसको लेके। गाना काटना पड़ेगा, क्योंकि फाइनली वो मोमेंट आ चुका है जब बाइक की डिलीवरी होती है। केक वगैरह रेडी है और अभी फटाफट से लेते हैं डिलीवरी इसकी। चलो तो फाइनली दोस्तों मोमेंट आ गया है रिवील करने का, कौन सी बाइक सबके भाई लेके जा रहे हैं। अभी आपको दिखाते हैं बाइक, भाइयों फाइनली डिलीवर हो गई है हमारी ट्रैम्प स्क्रैम्बलर 400X। अभी बस निकलना है यहाँ से हमने मंडी के लिए, कैसी लग रही है आपको कमेंट में ज़रूर बताना। और ये हमारी फर्स्ट रिफ्यूलिंग, शक्ति भाई की टैंक कर दो फुल भाई का, फिर
कैसा रहा फर्स्ट एक्सपीरियंस? ओ भाई अमेजिंग अमेजिंग, क्या बोलूं मैं, बस मजा आ रहा है ना, टाइट हो गई थी, मजा आ रहा है ना, स्टार्टिंग फेज में ना थोड़ा सा लाइक एक थोड़ा सा फील होता ना कि हाइट ज्यादा है, हां हाइट वाला फील होता, बस कुछ नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। डिलीवरी हो चुकी है, देखो आगे शक्ति भाई चले हैं, कितने मोटे ही गज लग रहे हैं भाई, सेटलिंग कर दी है शुरू और कॉन्फिडेंस लग रहा है उनमें आ रहा है अभी, तो अभी चलते हैं घर की तरफ। ये अभी इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पे ख़त्म, डिलीवरी अच्छे से हो गई, केक वगैरह हमने खा लिया और इसके बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। कोई भी क्वेरी आपको होगी ट्रैम्प स्क्रैम्बलर 400 के रिगार्डिंग, तो राइडर शक्ति के चैनल पे जाएं और देखें वहां पे जाके वीडियो, और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तो दिखाता हूं आपको थोड़ा सा राइडर शक्ति की झलक।